वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सरोज बाबर। अस्सलाम वालेकुम। क्या मतलब है सरोज का? एंजल। वाओ, वो एंजल का तो नहीं हो? नो। ओके, बहन भाई हैं? यस। कितने? टू ब्रदर्स। बहन कोई नहीं है? अच्छा, भाइयों के लिए एंजल हो या डेविल हो? एंजल। बड़ी हो ना तो उन्हें अच्छी अच्छी टिप्स भी देते। क्या उम्र आपकी? क्यों? 18 इयर्स। बच्चे भागी तो बहुत छोटे होंगे। हाँ जी, एक 15 इयर्स का और एक 6 इयर्स का। चलो जी, सवाल करते हैं, ठीक है? जी। मुझे बताओ, बकरी का बच्चा पैदा होने के कितनी देर बाद चलना शुरू कर देता है? 2 months बाद। नो। 1 month बाद। नो। 3 months बाद। नो। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगी? मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी पोटैटो स्माइलीज की। उसके लिए है कि पोटैटोज लें, उसको बॉईल कर लें, उसके बॉईल करने के बाद उनको मैश कर लें, उसमें सॉल्ट ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें और उन्हें मिक्स करके उन्हें फ्राई कर लें तो बहुत अच्छे पोटैटो स्माइलीज रेडी हो जाते हैं। बनाया कभी? बहुत बार, भाइयों के लिए बनाती हूँ। उसमें और कुछ भी नहीं डालती? नहीं, सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अच्छा टेस्ट देते हैं। अच्छा, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये वेलकम जी। नाज़रीन, उन्होंने पोटैटो स्माइलीज की रेसिपी बताई, ट्राई करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इकरा। क्या करती हो? मैं स्टडी। ओके जी, सामने देखें, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BA ST कर रही हूँ। ओके ठीक है। कितने बहन भाई हो? हम लोग 4 भाई 3 बहनें। 4 भाई 3 बहनें। अच्छा, मुझे बताओ ईद कैसी रही? ईद बहुत अच्छी। मज़ा आया जी? क्या खाया? हमने बहुत कुछ खाया, लाइक जो डिशेज ईद पे बनती हैं सब कुछ को बहुत इंजॉय किया। कुछ बनाया जी? ओके, मुझे बताएं कि बकरियों की एक नस्ल है फेंटेड गॉड, उसको फेंटेड गॉड क्यों कहते हैं? कॉमन सेंस से ट्राई करने की कोशिश करो। फेंटेड गॉड। क्या शेयर करोगी? मैं ब्यूटी टिप कि आप स्किन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करें और सुबह जब उठते हैं तो हमें बेसन से अपना फेस वॉश करना चाहिए, उससे स्किन ग्लो भी करेगी और लाइक जो पिंपल्स निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। बस जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। नाजरीन, इन्होंने बताया कि आप बेसन से जो है वो मुंह धोएं, आगे आपकी अपनी जिम्मेदारी, कोई आपको पकौड़ा ना समझ के खा जाए। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकराम बेग। क्या नाम है आपका? इकराम। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में। ओके जी, मुझे बताएं कैसी रही आपकी? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या खाया पिया? ये तो आपको पता है, बकरे और गाय और कबाब, दम कोफ्त और ये वो सब कुछ चलता। जाए क्या? जबरदस्त, मैं कहता हूँ खुली फिजा में मजा आ गया इस वक्त तो। ये चेंजिंग भी आई है और जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी? प्लीज मुझे बताएं, जो बकरा है उसे कितने स्टमक होते हैं? एक ही स्टमक होता है बकरे में? एक ही स्टमक होता है? Oh my God. Okay, so now, mic pakdo, saamne likho. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Very nice. आप क्या शेयर करेंगे? मैं कुछ हल्का अहबाब के लिए, लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि ईद जैसे कि गई है और कुछ लोग मैंने देखा है ये खा लें और उसकी जो बाकियात होती हैं बकरों की, ये सड़कों पर डस्टबिन के बगैर ही फेंक देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर इनकी डस्टबिन बनी है उसमें फेंकें, अपने मुल्क को, अपने एरिया को, अपने घर को जैसे साफ रखते हैं, इसी तरह अपने गली शहरों को साफ रखें ताकि खुली फिजा में हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, हम सब सांस ले सकें। जबरदस्त, ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। नाजरीन, बड़ा मज़ा आया, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। वैसे भी आज तीसरा दिन था, जितनी कुर्बानियाँ होनी थी वो हो गई हैं, तो काइंडली ख्याल रखें, जो जितनी भी मटेरियल है, खाले वगैरह तो खैर बिक जाती हैं, वो तो यार लोग डोनेट कर देते हैं जो भी सीन होता है, मगर जो बाकी की चीज़ें हैं जितनी भी, वो सड़कों पर मत फेंकें, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर उतनी ही मक्खियाँ आ जाती हैं और फिर उससे गंदगी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, बारिश होगी, कीड़े पड़ जाएंगे और ये पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो इसलिए सफाई का ख्याल रखें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी। मज़ा आया? यस। क्या क्या खाया?
कुछ खास नहीं. क्यों? जो मतलब ईद बकरा ईद है तो जो बकरा की डिशेज बनी है वही खाएंगे. बीफ की किसने बनाई? सिस्टर्स ने. और आपने कुछ बनाया? यस मटन. नहीं मैं आपको जो शेयर करूंगी वो मीठी रेसिपी. अभी आपने क्या बनाया था वैसे? मैंने बनाया था बिस्किट पुडिंग. अरे वाह, इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है. उसके लिए सबसे पहले अभी नहीं, पहले मैं जो पूछू वो बताओ. ईद में क्या खाया था? बनाया खुद क्या कोई मटन या बीफ का क्या बनाया था ईद पर? वो सिंपल मटन कढ़ाई बनाते हैं मतलब जल्दी वो बनाई. यस. अच्छा किसी से ईदी मिली? ये वाली तो किसी से नहीं मिलती. और किसी को दी? नहीं. अच्छा किसी से मिली नहीं तो दी भी नहीं. इनकलाब फिर कौन लेकर आएगा? इमरान खान. ये भी उसको जिम्मेदारी दे दो. चले जी सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? यस. बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो कितने अरसे में चलना शुरू करता है? कितने अरसे में? कुछ ही दिनों के बाद चलना शुरू कर देता है. चले जी आप उतने दिन बता दें. आई थिंक एक वीक बाद. No. चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. बहुत कम, बहुत थोड़े टाइम के बाद चलना शुरू कर देता है. आप टाइम बता दें. दो दिन बाद? नो No. नहीं, एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद. क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? वही रेसिपी शेयर. लो माइक सामने देखो. ओके. सबसे पहले बिस्किट पुडिंग बनाने के लिए आप सबसे पहले लें कस्टर्ड बनाएं. उस कस्टर्ड बना के साइड पर रख दें. उसके बाद मैरी बिस्किट लेने हैं, उनको लेके उनमें अपने कंडेंस मिल्क थोड़ा सा वो मतलब कि दो बिस्किट लेके बीच में वो लगाते जाएं. फिर उनके पीसेस करके अलग रख लें. फिर सबसे पहले कस्टर्ड की तय, उसमें थोड़ी आप ऊपर क्रीम ऐड कर लें. फिर बिस्किट की तय, उसके बाद फिर कस्टर्ड और फिर बिस्किट और एंड के ऊपर थोड़ी सी उसमें वो जो कॉफ़ी होगी ना उसको वो छिड़क दें तो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है. अच्छा अक्सर लोग रेसिपी बताते हैं बहुत जल्दी बन जाती है. कौन पीछे लगा हुआ जो जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं? ज़रूरत है जल्दी बनाने की. खवातीन को इतने काम होते हैं कि हम जल्दी जल्दी कुकिंग करके फारिग हो जाएं. हाँ पॉइंट है ना. गुड. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू. स्माइल बड़ी क्यूट है. थैंक यू. जी नाजरीन बड़ी अच्छी रेसिपी जाननी. आज आपने कहा? वालेकुम सलाम. क्या नाम है? सायरा. क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ. ईद मुबारक. ईद मुबारक. कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी. एंजॉय किया? बहुत ज्यादा. क्या पकाया? ईद पे जो ट्रेडिशनल डिशेज होती हैं सारी वही बनाई हैं. स्पेसिफिक है ना, मटन और बीफ भी बनता है. चिकन को तो छुट्टी मिल जाती है दो दिन. स्पेसिफिक मैंने बनाई है मटन चीज बॉल. वाओ कैसे बनाई? उसके लिए सबसे पहले मैंने मटन को मिंस किया, ठीक है. उसमें थोड़ा सा जो है वो मीट टेंडराइजर डाल दिया क्योंकि उसे डायरेक्ट फ्राई करना हमने. फिर उसमें चॉप गार्लिक अनियन और उसके अंदर बाकी जो मसाले होते हैं नमक मिर्च वगैरह वो ऐड कर ली. और फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए लेकिन उन्हें थोड़ा सा फ्लैट कर लिया. और उसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स काट के वो रख के उनके बॉल्स बना के उन्हें आराम से हल्की आँच पर शैलो फ्राई कर दिया. And it's ready to eat. अरे वाह, तो वो मटन जल्दी गल गया? No, that's मटन. उसके अंदर मीट टेंडराइजर डाला था ना, तो टेंडराइजर से वो जल्दी टेंडर. जबरदस्त. चले जी मुझे बताएं, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? इजी सा. इजी सा कर लेते हैं. मुझे बताएं बकरा हलाल होते देख लिया होगा अब तो आपने. हाँ जी. सही में कितने स्टमक होते हैं बकरे के? बकरे के कितने स्टमक होते हैं? एक ही स्टमक होते हैं? नहीं नहीं ज्यादा होते हैं. दो होते होंगे. Nope. अच्छा मुझे बताएं बकरे का क्या क्या खाती हैं? बकरे का सब कुछ, चॉप्स भी खा लेते. कलेजी खाती हैं? कलेजी भी खाती. गुर्दे खाती हैं? नो. ओके क्या क्या खाती हैं और क्या? गुर्दे क्यों नहीं खाती हैं? तो मजे के होते हैं. गुर्दे तो नहीं खाए जाते बकरे के. अच्छा आप नहीं खाती? नो. ओके घर में कौन कौन खाता है? कोई भी नहीं खाता गुर्दे. क्यों? वो गोल गोल जो होते हैं. गुर्दे तो नहीं होते, गुर्दे खाए भी नहीं जाते. गुर्दे तो खाए जाते हैं, बड़े ही शौक से खाते हैं लोग. और इसकी डिश जो है वो बड़ी फेमस है. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर आप ऑर्डर करें तो जस्ट उसकी जो वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी यमी, जरूर ट्राई करिएगा. अब तो चला गया बकरा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा या बाजार से लाइएगा. चेस करके खा लूंगी. परचेस कर ले. हाँ, चले जी आपको सवाल दिए हैं, आपने अच्छी बड़ी रेसिपी बताई थी. तो लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए नाम. थैंक यू. यू वेलकम. जी नाजरीन इन्होंने जो सबसे मजे की चीज है वो तो खाई नहीं, किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? किरण बिलाल. ईमान जाहिरा. अली. कैसी रही? बहुत अच्छी. क्या खाया? मटन एज यूजुअल. कुछ खास बनाया? मुझे वैसे चिकन पसंद है इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ चिकन ही बनाया. और आपने खाया? जी. गुड. ओके जी चले जी मुझे ये बता दें आपसे मेरा क्वेश्चन है, किस जानदार की जो आंखें हैं वो स्क्वायर होती हैं, लाइक बिल्कुल चौरस? मकड़ी.
मक्खी। ये छोटी छोटी की आंखें देखोगे कैसे? ओके जी, क्या सुनाएंगी? रेसिपी शेयर कर देती हूँ। चिकन बोनलेस हांडी की रेसिपी करूँगी शेयर। प्याज लेके उसको चॉप करें और जिंजर गार्लिक उसमें डाल लें और उसमें उसको अच्छी तरह बॉईल करने के बाद उसमें चिकन जो है वो उसकी छोटी छोटी क्यूब्स बना के डालें और बॉईल करने के बाद उस पर टमाटो पेस्ट डाल दें, देन ऑयल में उसको थोड़ा फ्राई करें। फ्राई होने के बाद जब वो आपको लगे कि थोड़ा बन गया है या गलावट में आ गया है तो देन उस पर थोड़ा सा वो आप क्रीम डाल के तो सर्व कर। ज़बरदस्त। और आप? मैं स्माइलीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले आप पोटैटो बॉयल कर लें, उसके बाद उनको मैश कर लें, फिर उसके अंदर मिर्चें और नमक डाल के उसे मिक्स कर लें, उसके बाद उसे ब्रेड क्रम्स लगा के और एग लगा के फ्राई कर लें तो आपके स्माइलीज़ बन जाएंगे। वाओ, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी नाज़रीन, बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद थर्ड जो है वो डे है और बड़ा इंजॉय हो रहा है। लोग अभी से आ गए हैं बर्गर शर्गर खाने के लिए, लगता है मटन से दिल भर गया है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निमरा कमर। इशाल। कौन सी क्लास में हो? वन। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ठीक है। मुझे ये बता दें, बकरे का बच्चा पैदा होने के कितने अरसे बाद चलना शुरू कर देता है? पैदा होते साल ही चलने लग जाता है। अच्छा, पक्का? पक्का पक्का। सही जवाब, क्लैपिंग करो अपने लिए। कभी देखा है वैसे बकरे का बच्चा? हाँ जी, बड़ा प्यारा होता है ना। ओके, उसको कहते क्या है भला? उसका एक नाम होता है स्पेसिफिक, उसको कहते हैं नेम ना। हाँ। ओके जी, कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। क्या खाया दोनों दिन? एक दिन कलेजी बनाई, दूसरे दिन पुलाव। वाओ, कौन कौन आया? सब लोग, सब रिलेटिव्स आए। चलिए जी, क्या शेयर करेंगे? सॉन्ग। हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवा। हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवा। आज मेरी बर्थडे भी है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र नहीं बताते। अरे बता दें। नहीं। तो फिर बताया क्यों बर्थडे है? ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये नहीं बता सकते। तो फिर बर्थडे का क्यों बताया? क्या सुनाओगी? दोनों माँ बेटी बहुत शर्मीली हैं। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक।